नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ टू स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन के लिए पोर्ट टाइमिंग डायग्राम। यदि आप टू स्ट्रोक इंजन के थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पोर्ट टाइमिंग डायग्राम, इन तीनों वर्डों को सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो पहला वर्ड लिखा हुआ पोर्ट। पोर्ट यहाँ पर जो वर्ड लिया गया है वह लिया गया है जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर उपयोग होने वाले इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट के लिए। किसके लिए? इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट के लिए। यहाँ पर टाइमिंग जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, टाइमिंग यहाँ पर लिया गया है जो हम टू स्ट्रोक इंजन के अंदर इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट यूज करते हैं उनके ओपन होने की और क्लोज होने की टाइमिंग के लिए। और यहाँ पर जो डायग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब नॉर्मल होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या शो कराते हैं, जो हमारे इनलेट पोर्ट हैं और एग्जॉस्ट पोर्ट हैं उनके खुलने और बंद होने के समय को। लेकिन याद रखें, जो खुलने और बंद होने के समय को हम आवर्स में, मिनट में या फिर हम सेकंड में नहीं दर्शाते हैं। याद रखें, किसमें दर्शाते हैं? एंगल में। मतलब जो हमारा पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का, उसी डिग्री के अंदर हम शो कराते हैं। शो क्या कराते हैं कि कितने एंगल पे इनलेट पोर्ट ओपन होता है, कितने एंगल पे हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज होता है और किस स्ट्रोक के दौरान होता है। इसी तरह एग्जॉस्ट पोर्ट के लिए कितने एंगल पर एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है, कितने एंगल पर एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होता है और किस स्ट्रोक के दौरान होता है। यह सब हम पोर्ट टाइमिंग के दौरान शो कराते हैं। तो नॉर्मली डिफाइन कैसे करोगे पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को? पोर्ट टाइमिंग डायग्राम क्या है? इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट के क्लोज होने और ओपन होने के समय को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं? करते हैं एक एंगल में, या फिर हम कह सकते हैं 360 डिग्री के अंदर। वही क्या होता है? पोर्ट टाइमिंग डायग्राम होता है। आपने फोर स्ट्रोक इंजन में इसकी जगह क्या पढ़ा था? वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, क्योंकि उसमें हम इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व यूज करते थे, यहाँ पर हम पोर्ट यूज करते हैं, इसलिए इसमें लिख दिया पोर्ट टाइमिंग डायग्राम। यदि कभी ऐसा एग्जाम में लिख के आ जाता है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक इंजन के लिए ड्रॉ करिए, वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वॉल्व की आपको टू स्ट्रोक इंजन अगर लिख के आता है तो आपको यही जो मैं बताने वाला हूँ आज वही ड्रॉ करना है। अब हम जो जो सबसे पहले जो थ्योरी समझाने वाले हैं टू स्ट्रोक इंजन की, वह भी समझना जरूरी है। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वह किसका लिया है? पेट्रोल इंजन का। क्या हमें कौन कौन से ऐसे जो इसमें प्रोसेस है उसको याद रखना जो कि हमें हमारे जो हमारा पोर्ट टाइमिंग डायग्राम है उसमें उपयोग होने वाले हैं। तो कुछ बातें याद रखें कि सबसे पहले हम इसमें दो टाइप्स के डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहला होगा हमारा थियोरेटिकल डायग्राम, दूसरा होगा हमारा प्रैक्टिकल डायग्राम, या फिर जिसे हम एक्चुअल डायग्राम बोलते हैं। थियोरेटिकल डायग्राम में जो भी हम इसकी टू स्ट्रोक इंजन की थ्योरी पढ़ेंगे उसके अनुसार, एक थ्योरी के अनुसार एग्जैक्ट टाइमिंग हम शो करा देंगे। लेकिन एक्चुअल पोर्ट टाइमिंग डायग्राम में क्या होगा? जो इंजन की एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको शो कराते हैं कि कितने एंगल पर हमारा इनलेट पोर्ट ओपन होता है और क्लोज होता है, इस तरह कितने एंगल पर हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है और क्लोज होता है और किस स्ट्रोक के दौरान होता है। अब चलते हैं, सबसे पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, थ्योरी वैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी, अच्छी बात है। नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो हमने टू स्ट्रोक इंजन का डायग्राम लिया है इसमें आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन की जो कंप्लीट साइकिल होती है, ठीक है, वह टू स्ट्रोक के अंदर होती है। टू स्ट्रोक का मतलब आप जानते हो कि नहीं जानते, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से ये क्या होता है हमारा टीडीसी, क्या होता है? टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और नीचे वाला जब हमारा पिस्टन नीचे आ जाता तो क्या होता? बीडीसी, मतलब बॉटम डेड सेंटर। और यहां से, और जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की चली गई दूरी क्या होती है? स्ट्रोक, जिसे हम किससे? एल से शो कराते हैं।
तो पिस्टन क्या होती, सबसे पहले हमारा अप स्ट्रोक होता, तो अप स्ट्रोक से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है। तो हमारा जब पिस्टन एक चक्कर पूरा, मतलब एक बार नीचे से ऊपर जाती है, मतलब बीडीसी से टीडीसी जाती है, तो हमारा कितना, एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, एक स्ट्रोक। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या होता है, ये होता हमारा कौन सा, टीडीसी, और ये होता बीडीसी नीचे। अब ये कौन सा होता हमारा, डाउन स्ट्रोक होता है, ये तो हमारा अप स्ट्रोक हो गया। अप स्ट्रोक में क्या किया मैंने, कि इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद क्या हुआ, अब यहां पर देखेंगे आप, इसमें कहां से, ऊपर से, मतलब डाउन स्ट्रोक मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, तो जो हमारी ऊपर से यहां तक जो दूरी चलेगी वह क्या हो जाएगा, एक स्ट्रोक। तो हमारी टोटल कितने होगा, टू स्ट्रोक, इसलिए हम इसको क्या बोला, टू स्ट्रोक। ठीक है, टू स्ट्रोक बोला मतलब एक स्ट्रोक जब नीचे से ऊपर जाती है और एक स्ट्रोक जब ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है, जो हमारी ये क्रैंकशाफ्ट लगी, ये क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट, ये क्या करती है, जब हमारा ये हमारा जो पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है तो कितने डिग्री घूम लेती है, मतलब 180 डिग्री घूमती है ओनली। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आता तो हमारी फिर से 180 डिग्री घूम जाती है, मतलब आधा चक्कर इसमें पूरा करती है और आधा चक्कर इसमें पूरा करती है, तो हमारा कितना चक्कर, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता, मतलब एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, मतलब टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो कंप्लीट साइकिल होती है उस दौरान हमारी क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर पूरा करती है। थोड़ी सी थ्योरी समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जब हमारी अप स्ट्रोक होता है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो एक तो होती हमारी कौन सी, सक्शन, और दूसरी होती कंप्रेशन। मतलब जब ऊपर की ओर जाएगा तो हमारी कौन सा होगा, सक्शन होगा और कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा, और जब हमारी पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो हमारा कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सपेंशन होगी और एग्जॉस्ट होगी। बस इतनी बातें याद रखना, इसके अलावा जो याद रखना वो हमें ध्यान से यहां पर लिख रहा हूं मैं, उसको ध्यान से सुन। जब हमारी पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती तो हमारा क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होता है, क्लोज होता है, और इसमें एक ट्रांसफर पोर्ट यूज करते हैं जिससे हमारे एयर फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाता है, वह भी क्या होता है, ट्रांसफर, टीपीसीएम शॉर्ट में यूज कर रहा है, टीपीसी, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होता है। इसके अलावा क्या होता है, हमारा इनलेट पोर्ट ओपन होता है, इनलेट पोर्ट ओपन होता है। ठीक है, ये इनलेट पोर्ट ऊपर ओपन होता है। इसके अलावा भी कुछ होता है कि जो हमारा स्ट्रोक कौन सा होता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन, सक्शन, सक्शन के अलावा क्या होता है, हमारा इग्निशन स्टार्ट होता है, क्या होता है, इग्निशन स्टार्ट, आईएस का मतलब इग्निशन स्टार्ट, मतलब फ्यूल जलना स्टार्ट होता है। इतने काम होते हैं हमारे जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब इस दौरान क्या होता है, ये बात याद रखना, ये बॉल टाइमिंग डायग्राम में ये सारे बात इंपॉर्टेंट है। इस दौरान क्या होता है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है तो हमारा सबसे पहले तो एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको याद रखें, एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वह ओपन होता है, और ट्रांसफर्ड पोर्ट है वह भी ओपन होता है, इनलेट पोर्ट है वह क्लोज होता है, आईपीसी मतलब इनलेट पोर्ट क्लोज। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो कौन सा, जो हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज हो गया, हमारा जो ट्रांसफर पोर्ट ओपन होता है, और एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा होता है जिससे क्या होता है, जो हमारी धुएं जली हुई गैसें बाहर निकलती है। ठीक है, अब इनलेट पोर्ट ओपन क्लोज की आप ध्यान रखें, पेट्रोल इंजन के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है इनलेट पोर्ट जब ओपन होता है, और डीजल इंजन के अंदर सिर्फ एयर अंदर आती है। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं और फ्यूल इंजेक्टर हम डीजल इंजन में यूज करते हैं। तो ये जो भी बातें लिखी मैंने इनको याद रखें। अब मैं सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल डायग्राम समझाने वाला हूं, तो जो बातें मैं बता रहा हूं सिर्फ उन्हीं को याद रखना है। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये थ्योरेटिकल डायग्राम, ये कैसे बना, सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन लेने पड़ती है, उसके सबसे टॉप पे हम क्या लिखेंगे, टीडीसी, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, और नीचे की ओर लिखेंगे बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद रखें, अब यहां पर दिख रहा होगा ये जो एंगल बने हुए हैं, 120 नीचे लिखा हुआ है और 120 यहां पर भी होता है, कितना होता है, 120, 120 डिग्री याद रखें। मतलब जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता हुआ है कितने में कंप्लीट होता है, 120 डिग्री एंगल में, और 120 डिग्री में ही क्या होता है, एक्सपेंशन हमारा कंप्लीट होता है, तो याद रखें। जबकि ये जो 120 है 60 डिग्री किसमें बटा रहता है, सक्शन में। ठीक है, ये सक्शन में बटा रहता है, और जो हमारा 120 का डिग्री का जो 60 डिग्री यहां पर लिख देता हूं मैं, और ये हमारा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बट रहा था किसमें, एग्जॉस्ट, इसलिए यहाँ सक्शन प्लस एग्जॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस होती नॉर्मली।
अब इसमें क्या होता है जब हम देखते हैं, क्या अपन बीडीसी से टीडीसी चल रहे हैं, फर्स्ट में बताया है मैंने ये वाला, इस वाले डायग्राम में ये बताया हुआ है मैंने, क्या होता है अप स्टॉक लिखा हुआ, अप स्टॉक मतलब पिस्टन नीचे से ऊपर जा रही बीडीसी से टीडीसी की ओर। तो बीडीसी से जब टीडीसी की ओर जा रही तो हमारा क्या होता है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, लेकिन इस दौरान क्या होता है, ऐसा थ्योरेटिकल में अगर हम मान लें तो जैसे मैं ऊपर भी बता चुका हूं, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होता है और हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होता है, इनलेट पोर्ट ओपन होता है, ठीक है, और हमारा कौन सा होता है, एक कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है, और हमारा कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, इग्निशन स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस होती है। अब ये तो हो गई इधर से जाने की, लेकिन जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा है तो हमारा एक्सपेंशन तो होता ही है, ये तो होगा ही, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, हमारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, इनलेट पोर्ट क्लोज होता है। तो इन तीन तीन बातों को याद रखना। तो ये थ्योरेटिकल डायग्राम जैसा मैंने बना वैसा बना दें, और जो जो वर्ड लिखे मैंने वो वर्ड लिख दें या नीचे ऊपर लिख दिए। अब लेकिन एक्चुअल हमारे जो पोर्ट टाइमिंग डायग्राम होता है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है थ्योरी एग्जाम में। थ्योरेटिकल डायग्राम तो पूछा अगर नहीं जाता तो ना बनाए, लेकिन एक्चुअल डायग्राम जरूर बनाए। चलते हैं एक्चुअल डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये मैं समझाने वाला हूँ कौन सा हमारा टू स्टॉक पेट्रोल इंजन के लिए एक्चुअल पोर्ट डायग्राम। याद रखें जो भी मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायग्राम देखने से कुछ समझ नहीं आता। जो यहाँ पर टीडीसी लिखा है इसका मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और जो नीचे बीडीसी लिखा है इसका मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। ये यहाँ पर देखेंगे सारे बात आप एक्सप्लेन कर देते। आईपीसी मतलब इनलेट पोर्ट क्लोज, ईपीओ मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, टीपीओ मतलब ट्रांसफर पोर्ट ओपन, टीपीसी मतलब ट्रांसफर पोर्ट क्लोज, ईपीसी मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज, आईपीओ इनलेट पोर्ट ओपन, आईएस मतलब इग्निशन स्टार्ट, और ये अंदर एंगल दिए हमें जिससे मतलब रखना उस पर आप ध्यान दें। सबसे पहले जैसे मैं बता चुका था यहाँ पर पिस्टन कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मतलब अप स्टॉक मतलब कहाँ से जाती है, बी डी सी से, और हमारा टॉप डेड सेंटर की ओर, टॉप डेड सेंटर की ओर, ठीक है। तो इसी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अब स्टॉक के दौरान क्या होता है, मैं अभी जस्ट ऊपर वाले डायग्राम में बता चुका हूँ, वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसा हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने बताया था जो हमारे जो देखो बाहर का जो डायग्राम है वो सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोटेशन बताया, क्योंकि इसकी पूरी कंप्लीट साइकिल कितने में होना, 360 डिग्री में, क्योंकि इसमें हमारी जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, इतने टू स्ट्रोक के दौरान। तो 360 में दिखाना है, तो जो हमारा कौन सा डायग्राम, जो ब्लू कलर का देखना है हमें, कौन सा देखना, ब्लू कलर का देखना है, रेड कलर का देखना है, और ये वाला देखना है। तो इन इन तीनों लाइनों को देखना है, ये बाहर की जो लाइन है इसको सिर्फ समझाने के लिए, कोई उसका पर्पज नहीं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मान लिया बीडीसी से टीडीसी की ओर हमारी क्या हो रही है, पिस्टन मूव हो रही है। अब जब इधर से मूव होती तो मान लो इधर को मूव हो रही, तो क्या है? क्या मैंने बताया था, ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज होता, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज होता है। इतने लगभग यहाँ पर दिख रहा है ये इसका जो एंगल बना हुआ है ए लाइन, लगभग मैंने कितना मान लिया 45 डिग्री पर ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी यहाँ पर क्लोज हो जाता है, क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी हमारा क्लोज हो जाता है आगे थोड़ा सा चलने के बाद। अभी पूरा 60 डिग्री है, अगर 45 डिग्री ये हो गया तो हमारा ये कितना हो जाएगा, लगभग 15 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो लगभग 15 डिग्री के बाद हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होता है, पहले ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज होता है फिर एग्जॉस्ट पोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर देखेंगे जब पिस्टन यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है सबसे पहले ये पड़ता है, तो ये सबसे पहले क्लोज होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये एग्जॉस्ट पोर्ट आता है, क्योंकि इसके बाद आता है, तो लगभग कितना 15 डिग्री हमने मान लिया। ये एक्चुअल डायग्राम जो भी जिसने भी बुक लिखी है उस बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, याद रखें, ठीक है, बैरी भी करता है अलग अलग बुकों में, पांच लगभग 5 डिग्री के आसपास नीचे ऊपर, तो उस एंगल को भी देख लें। तो ये बंद हो गया, अब इसके बाद स्टार्ट होता हमारा कौन सा, ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो गया, और कंप्रेशन स्टार्ट हो गया। कहां ब्लू कलर की लाइन को देखें, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। अब यहां पर याद रखें कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर ये यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर जाके इनलेट पोर्ट ओपन हुआ, क्या हुआ, इनलेट पोर्ट ओपन हुआ, जिससे हमारा अगर पेट्रोल इंजन के अंदर देखें तो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर अंदर आएगा, मतलब कहाँ से, ये वाला हमारा ओपन हो गया, ये वाला पोर्ट हमारा ऊपर, यहाँ से हमारा क्या हुआ इधर की ओर आएगा, याद रखें ये हमारा एयर और पेट्रोल का मिक्सर अंदर आया, ठीक है। अब जी कितने एंगल पर, अभी मैं समझाता हूँ। इसके बाद थोड़े आगे चल के ये हमारा ये एंगल दिख रहा है, ये इग्निशन स्टार्ट, क्या हुआ, इग्निशन स्टार्ट हो गया, मतलब जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर है हुआ है, कहाँ, ये वाले, इस वाले में जलना नहीं होता, जो ऑलरेडी पहले से
हमारा ट्रांसफर पोर्ट से अंदर चला जाता है कि यहाँ पहले, इससे पहले जो जा चुका है वही इग्निशन स्टार्ट होता है, ठीक है, ना कि ये वाला। ये वाला तो जा रहा है अभी इसके अंदर, ओनली इसके अंदर भर जाता है, ठीक है, जब ऊपर की ओर जाता है। तो जो ऑलरेडी पहले से जा चुका है यहाँ पर एयर फ्यूल कमिक्सर, वह इग्निशन स्टार्ट होता है। फिर कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पर हमारी टीडीसी पे हमारी पिस्टन पहुंच जाती है, ठीक है। अब हमारा ये देखो, जो हमारा ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 100 डिग्री है। इसका इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट का, तो हम अगर इनके बीच का एंगल मान लें, यहां से ये कितना है, 50 डिग्री है लगभग, मतलब टॉप डेड सेंटर से पहुंच, टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से पहले लगभग 50 डिग्री पहले इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और उसके आधे में लगभग 25 डिग्री पहले या 20 डिग्री, कहीं अलग अलग लिखा होगा कई जगह, या 15 डिग्री से, 15 डिग्री ऐसा लिख देता हूं मैं, जो इग्निशन स्टार्ट लगभग मान लेता हूँ 15 डिग्री टू 25 डिग्री के बीच में हमारा इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारी गाड़ी कहाँ से चले, जो हमारी पिस्टन कैसे चलेगी, नीचे की ओर चलेगी, डाउन स्ट्रोक, मतलब पिस्टन पिस्टन कहाँ से आएगी, टीडीसी से हमारे बीडीसी की ओर, ठीक, ऊपर से नीचे आ रही। तो क्या होता है, ध्यान से सुन, यहां से आगे बढ़ेगी तो यहां से 50 डिग्री बाद क्या होता है, इनलेट पोर्ट जहां से हमारी एयर फ्यूल का मिक्सर आता है वही क्लोज होता है। अब यहां पर ध्यान रखें, इनलेट पोर्ट ओपन हो गया कब, टीडीसी से पहुंचने से पहले, जबकि टीडीसी पर ओपन होना चाहिए था, ठीक है, मतलब यहाँ नीचे ओपन होना चाहिए था, लेकिन टीडीसी से पहले ही ओपन हो गया, ठीक है। और टीडीसी के बाद जहां पर एक्सपेंशन ऑलरेडी चल रहा है, देखो ये एक्सपेंशन स्ट्रोक चल रहा है, उस दौरान हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज हुआ लगभग 50 डिग्री के बाद, जिससे कि फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सर अच्छे से जा सके, प्रॉपर भर सके हमारा सिलेंडर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन कंटिन्यू चालू रहता है, कहां तक, लगभग 120 डिग्री तक, कहां तक, 120 डिग्री तक, याद रखें। तो जो भी प्रोसेस में ऊपर बता चुका था, लगभग टोटल कितना रहता है इसका एंगल, 120 डिग्री, कंप्रेशन मतलब टोटल 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद क्या होता है, क्योंकि टोटल कितना है, 180, जो हमारा इनलेट पोर्ट है, जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है वह ओपन हो जाता है, मतलब सबसे पहले ऊपर से जब पिस्टन नीचे की वारी, तो पहले कौन पड़ता है, एग्जॉस्ट पोर्ट, तो ये सबसे पहले ओपन होगा लगभग 120 डिग्री के बाद, याद रखें 120 डिग्री के बाद। तो जैसे ही स्टार्ट होता है, इसके बाद लगभग अगर हम देखेंगे तो इसकी भी कितनी टाइमिंग होगी, लगभग कितना है ये, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री के बाद है, 15 डिग्री मतलब यहां से 15 डिग्री के बाद ये वाला पोर्ट जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट है यह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ट्रांसफर पोर्ट 15 डिग्री, एग्जॉस्ट पोर्ट के 15 डिग्री के बाद ओपन होता है। इसके बाद क्या होता है हमारा, फिर से जो हमारी यही वाली प्रोसेस चलती है हमारा, और ये कहां तक आती, बीडीसी आती, लेकिन इस दौरान क्या होता है, यहाँ पर 45 डिग्री लिखा है दोनों में, ये यहाँ पर लिखा है स्कैवेंजिंग प्रोसेस। स्कैवेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट कब हो जाती है, मतलब जैसे ही हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है और ट्रांसफर पोर्ट ओपन होता है, ट्रांसफर पोर्ट ओपन होने के बाद स्कैवेंजिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि स्कैवेंजिंग प्रोसेस हम जानते हैं, जो भी हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर जाता है वही हमारी जली हुई गैसों को पुश करता है, यहां से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो जली हुई गैसें होंगी उनको पुश करेगा, तब वो जाके हमारी एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलेंगी। तो वही क्या होती है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस कब होती है, जब ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाता है, उसके बाद होती है बीडीसी पर तक पहुंचने में 45 डिग्री तक, और फिर भी हमारी कंटिन्यू चालू रहती है कब, जब तक हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज नहीं हो जाता 45 डिग्री और आगे तक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि पूरी तरह बिल्कुल जली हुई गैसें, एक एक जली हुई गैसें बिल्कुल पूरी तरह बाहर हो जाएं और इंजन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसकी एफिशिएंसी लॉस ना हो। तो ये हमने कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जैसा मैंने समझाया वैसा आप साफ सुथरा डायग्राम बना सकते हैं अपनी कॉपी किताब पर। अब इसका जो टू स्ट्रोक इंजन डीजल इंजन है उसका भी समझ लेते हैं, तो इसको भी जल्दी समझना, सिर्फ हमें इतना याद रखना कि इसके अंदर, इस इंजन के अंदर क्या होगा, हमारा सिर्फ एयर का मिक्सर अंदर आएगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, लिख देता हूं इससे आपको याद रहा है, टॉप डेड सेंटर, नीचे क्या है, बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, पिस्टन कहां, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। हम कहां से बात कर रहे हैं, ये ऊपर पहले एक्सप्लेन कर सकूं, टीडीसी टू ये हमारा बीडीसी लिखा, मतलब बीडीसी से हमारी कहां इधर को जाएगी, बीडीसी से टीडीसी की ओर, ठीक है। अब याद रखें, हमें बाहर के जो भी ये डायग्राम है ये दिख रहा होगा, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं रखना, हमें रखना है इससे, ये हमारा ब्लू कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन, और जो हमारी इस लाइन को याद रखना है। अब देखें, यहां से मान लिया मैंने चलना स्टार्ट किया इधर की ओर, यहां से जैसे, तो ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा जी, हमारा ट्रांसपोर्ट पोर्ट सबसे पहले पड़ता तो यह क्या होता है, क्लोज हो जाता है, यहां पर लिखा ट्रांसपोर्ट पासिस, ये क्लोज हो जाता सबसे पहले। इसके बाद कितने एंगल क्लोज होता है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना है, देख रहे हैं कितना है, 45 डिग्री,
मतलब 45 डिग्री पे ई आई हमारा क्लोज हुआ था ट्रांसफर। उसके बाद यहां से यहां तक का देखेंगे तो ई हमारा कितना है, जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हुआ था 45 डिग्री के, मतलब 15 डिग्री के बाद, याद रखें ट्रांसफर्ट पोर्ट के 15 डिग्री के बाद हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हुआ था। कौन सा एग्जॉस्ट पोर्ट? ए वाला एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये एंगल का अरेंजमेंट समझ लें। टोटल जो है अगर हम बीडीसी से एग्जॉस्ट पोर्ट का एंगल देखें तो कितना होता है, 60 डिग्री पे क्लोज जाता है, लेकिन ट्रांसफर्ट पोर्ट की तुलना करें तो ट्रांसफर्ट पोर्ट के बाद 15 डिग्री पर क्लोज जाता है। इसी तरह आप जो मैं ऊपर समझा चुका हूँ उसको भी समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा जो भी हमारा जो हमारी एयर अंदर है वो है कंप्रेस होना स्टार्ट, लेकिन ठीक है एयर कहाँ, पहल से ऑलरेडी यहाँ भरी हुई है, जो कि हमारा जब हमारा ये नीचे को आता था हमारी अंदर पहुंच जाती है, तो वो है कंप्रेस होना स्टार्ट होती। कंप्रेस होते होते क्या होता, जो हमारा यहाँ पर पहुंचती, ये एंगल देखें याद रखें टीडीसी से कितनी, 10 डिग्री, याद रखें 10 डिग्री टीडीसी से 10 डिग्री पर, 10 डिग्री पहले ही फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता। फ्यूल इंजेक्शन मतलब फ्यूल इंजेक्टर जो इसमें यूज करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर यह अपना फ्यूल स्प्रे करना स्टार्ट कर देता। तो वह कितने पहले हो जाता, 10 डिग्री पहले, ठीक है, और हमारा कहां तक चलता, 10 डिग्री 15 डिग्री बाद तक चलता फ्यूल इंजेक्शन क्लोज। देखो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन क्लोज, ये टीडीसी से पहले 10 डिग्री स्टार्ट होता 15 डिग्री बाद तक चलता है, ये आपको याद रखना, और हमारा फ्यूल जलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और याद रखें जो 15 डिग्री कहां किसके अंदर है, एक्सपेंशन के ऑलरेडी अंदर है, मतलब एक्सपेंशन भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई और हमारा फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, और आगे चलता जाता है यहां से कहां तक, ये हमारा टोटल है कितने एंगल तक चलता है एक्सपेंशन, 120 डिग्री तक। इस तरह कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन कितनी डिग्री तक चलता है, 120 डिग्री तक। ठीक है, ये टोटल कितना है हमारा, 120 डिग्री, जबकि 60-60 डिग्री में डिवाइड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी कहां था, 120 डिग्री तक आया और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता, मतलब सबसे पहले हमारा कौन सा, ए वाला एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ओपन होता, मैं इसकी बात कर रहा है। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है कितने पे, 120 डिग्री के बाद, और हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन बीडीसी तक देखें तो हमारा कितना, 60 डिग्री चलता, टोटल 60 डिग्री चलता, लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट के 15 डिग्री बाद, मतलब लगभग कितने, 15 डिग्री बाद, कितना, 15 डिग्री बाद हमारा कौन सा होता है, जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट है वह 15 डिग्री बाद ओपन हो जाता है, किसके, एग्जॉस्ट पोर्ट के। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट के 15 डिग्री बाद हमारा ओपन हो जाता, जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट पहले ओपन हुआ जिससे हमारी जलवायु गैसें निकली, और यहां से जो हमारा दिख रहा है ये उसकी एग्जॉस्ट पोर्ट के 15 डिग्री बाद ओपन हो गया। ठीक है, अब जी यहां से आपको दिख रहा होगा, अब जी ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन हो गया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट पोर्ट से क्या होता है, जो यहाँ पहल से भरी हुई गैसें हैं वह क्या करती है, जो हमारी अंदर से जाएंगी तो हमारे इसके अंदर जो धुआं भरा होगा उसको पुश करेंगी, तो हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट से वह भी जो जली हुई गैसें वह भी निकल जाती पूरी तरह। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। जो यहाँ 45 डिग्री लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन होते ही इतनी दूरी में जो 45 डिग्री लिखा हुआ है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी चलती है जिससे हमारी जली हुई गैसें पूरी तरह बाहर निकल। और ये कहां तक चलती है, मतलब हमारा बीडीसी के बाद भी जब तक कि ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज नहीं हो जाता वहां तक भी हमारी 45 डिग्री आगे तक स्कैवेंजिंग प्रोसेस होती रहती है। तो यही एक साइकिल थी जो मैंने समझाने की कोशिश की। इन दोनों का एंगल मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी जो हमारा फ्यूल, जो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है, फ्यूल इंजेक्शन क्लोज होता है, तो टोटल 35 डिग्री के बीच में होता है, और 120 जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं समझा चुका हूँ। स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी समझा दिया, 45 डिग्री पहले स्टार्ट होती है और बीडीसी के बाद भी 45 डिग्री चलती है। ये मैंने कोशिश की बहुत अच्छे समझाने की। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, पेट्रोल इंजन ऊपर समझाया था, ये हमारा डीजल इंजन के लिए भी हो गया, और नॉर्मल थ्योरेटिकल डायग्राम दोनों के लिए कॉमन होता तो मैं सबसे पहले ही समझा चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।